हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी बो हेयर क्लिप। सो उसके लिए चाहिए हमको एक वाइट फैब्रिक, उसको हमने कट करके फोल्ड कर लिया है। देन हम उसको सेफ्टी पिन की हेल्प से अटैच कर देंगे। देन हमको जिस एरिया में एम्ब्रॉयडरी करना है वहाँ पर हम पेन से मार्क कर देंगे। मैंने इसके लिए यहाँ पे दो सर्कल बनाए हैं और अब इसके बाद कुछ डॉट्स बना दूंगी। मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए सिंपल थ्रेड यूज़ किया है। धागे को सुई में पिरोने के बाद मैंने एंड में नॉट टाई कर दिया है। मुझे इस धागे के 4 स्ट्रैंड लेने हैं। सेफ्टी पिन ओपन करके मैं एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर दूंगी। सर्कल के बीच से हमको सुई को इंसर्ट करना है। देन सर्कमफेरेंस से हमको उसको फिर से इंसर्ट करना है। बैक साइड से हमको फिर से सर्कल के सेंटर से सुई को इंसर्ट करना है। देन फिर से हमको सर्कल के सर्कमफेरेंस से सुई को इंसर्ट करना है। इसी तरह रिपीट करके हमको 5 जगह से स्टिच करने हैं। देन बैक से हमको सर्कल के बीच से हमको सुई को निकालना है। देन अब जो हमारे 5 स्ट्रैंड हैं उनमें से अल्टरनेटिवली एक को छोड़ के सुई को हमको निकालना है ताकि हमारा रोज़ वाला पैटर्न आ सके। रोज़ वाला डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हमको फ्रेंच नोट बनाना है। जहाँ हमने डॉट बनाए थे वहाँ से हम बैक साइड से सुई को इंसर्ट करेंगे। देन जो धागा है उस पर हम सुई को 3-4 बार रोल करेंगे। देन सुई को उसी जगह से हम वापस इंसर्ट करेंगे। देन धागे को खींच लेंगे। इसी तरीके से हम जहाँ जहाँ हमने डॉट्स बनाए हैं वहाँ सभी जगह हमें फ्रेंच नोट बनाने हैं। देन लीव्स के लिए हम ग्रीन धागे का यूज़ करेंगे। हमें दोनों साइड एक एक लीव्स बनानी है। देन उसी ग्रीन धागे से हम वहाँ पर एक एक फ्रेंच नोट भी लगा देंगे। बेबी पिंक कलर धागे से हमें यहाँ कुछ और फ्रेंच नॉट्स लगानी है ताकि हमारा डिज़ाइन और उठ कर आ सके। डार्क पिंक और बेबी पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम सेम डिज़ाइन दूसरे कॉर्नर पर भी बना लेंगे। हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क कंप्लीट हो चुका है। देन हम कपड़े को पलट कर दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे और इससे हमें बो बनाना है। कपड़े को फोल्ड करके अब हमें सुई धागे की हेल्प से कपड़े के बीच से हमें एक सीधी स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग करने के बाद हम धागे को पुल करके हमें उसके ऊपर से रोल करके वहाँ नॉट टाई करनी है। देन हम उस फैब्रिक का दूसरा टुकड़ा लेके हमें दोनों साइड से फोल्ड करके वो का लुक कंप्लीट करेंगे। उस कपड़े को हमें बैक साइड से स्टिच कर देना है। देन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट कर देंगे। उसको कट करने के बाद अब उसको अंदर की ओर पलट देंगे।
ताकि हमारे बो में फिनिशिंग अच्छी आए। अब हमें क्लिप ऐड करना है बो में। मैंने एक बड़े साइज का क्लिप लिया है। अब उस क्लिप को ओपन करके मैं बैक साइड से उसमें अटैच कर दूंगी। देन गम के हेल्प से आप उसको वहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। अब हमारा बो रेडी।